संक्षिप्त सारांश ओशो की पुस्तक बुक ऑफ मैन एक आध्यात्मिक और दार्शनिक पुस्तक है जो मनुष्य की प्रकृति और मानवीय अनुभव का अन्वेषण करती है। पुस्तक तीन भागों में विभाजित है, द बर्थ ऑफ मैन, द जर्नी ऑफ मैन और द डेस्टिनी ऑफ मैन। पहले भाग द बर्थ ऑफ मैन में ओशो इस विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि मनुष्य विकास का एक उत्पाद है। उनका तर्क है कि मनुष्य का अस्तित्व पूर्व निर्धारित नहीं है, बल्कि यह संयोग और परिस्थिति का परिणाम है। ओशो बताते हैं कि मनुष्य इस दुनिया में एक साफ स्लेट के साथ पैदा होता है और यह हम पर निर्भर है कि हम अपने जीवन को आकार देने वाले विकल्प चुनकर अपना भाग्य खुद बनाएं। वह मनुष्य के रूप में अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए आत्म जागरूकता और आत्म खोज के महत्व पर भी जोर देते हैं। दूसरा भाग द जर्नी ऑफ मैन इस बात पर केंद्रित है कि मनुष्य अपने आसपास की दुनिया का अनुभव कैसे करता है। ओशो इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एक फूल का उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि जब हम किसी फूल को देखते हैं तो हम सिर्फ उसके भौतिक पहलू ही नहीं देखते, बल्कि हम फूल की सुंदरता और सार का भी अनुभव करते हैं। ओशो तर्क देते हैं कि मनुष्य की यात्रा सिर्फ चीजें इकट्ठा करने या भौतिक सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन की सुंदरता का अनुभव करने और उसकी सराहना करने के बारे में भी है। अंत में तीसरे भाग मनुष्य की नियति में ओशो इस विचार की खोज करते हैं कि मनुष्य का एक आध्यात्मिक भाग्य है। उनका तर्क है कि मनुष्य के रूप में हमारा अंतिम लक्ष्य अपने व्यक्तिगत स्व से परे जाना और सार्वभौमिक चेतना से जुड़ना है। ओशो इस अवधारणा को समझाने के लिए पानी की एक बूंद के समुद्र में विलीन होने का उदाहरण देते हैं। उनका तर्क है कि जिस तरह पानी की एक बूंद समुद्र के साथ एक हो जाती है, उसी तरह हमें भी अपने अहंकार को भंग करना चाहिए और अपने आध्यात्मिक भाग्य को पूरा करने के लिए सार्वभौमिक चेतना के साथ विलीन होना चाहिए। कुल मिलाकर बुक ऑफ मैन एक विचारोत्तेजक पुस्तक है जो मनुष्य की प्रकृति और मानवीय अनुभव की खोज करती है। ओशो द्वारा ज्वलंत उदाहरणों और विस्तृत व्याख्याओं का उपयोग इस पुस्तक को एक आकर्षक और ज्ञानवर्धक पठन बनाता है। मुख्य विचार ओशो की पुस्तक बुक ऑफ मैन मानव स्वभाव के सार को समझने के लिए एक दार्शनिक मार्गदर्शिका है। यहाँ कुछ मुख्य विचार और मूल अवधारणाएं दी गई हैं जिनकी चर्चा पुस्तक में की गई है। केक मनुष्य शरीर मन और आत्मा का एक अनूठा मिश्रण है। पुस्तक में मुख्य मान्यताओं में से एक यह है कि मनुष्य केवल एक भौतिक शरीर से कहीं अधिक है। ओशो का मानना है कि मनुष्य में एक भौतिक शरीर, एक मन और एक आत्मा शामिल है जो सभी आपस में जुड़े हुए हैं। उनके अनुसार यदि इनमें से किसी भी भाग की उपेक्षा की जाती है तो मनुष्य अधूरा है। उदाहरण के लिए लेखक का तर्क है कि जो लोग भौतिकवादी सफलता पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी भावनात्मक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हैं, वे अकेलेपन और अवसाद से ग्रस्त होते हैं। तो मन की प्रकृति पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा मन की प्रकृति है। ओशो का तर्क है कि मन स्वभाव से बेचैन और विचारों से भरा होता है। उनके अनुसार अतीत पर ध्यान देना या भविष्य की चिंता करना मन की प्रकृति है जो चिंता और तनाव का कारण बन सकती है। पुस्तक बताती है कि ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास मन को शांत करने और उसे वर्तमान क्षण में लाने में मदद कर सकते हैं। तीन अहंकार की भूमिका अहंकार एक और अवधारणा है जिसे पुस्तक में खोजा गया है। ओशो सुझाव देते हैं कि जीवित रहने के लिए आत्मबोध महत्वपूर्ण है, लेकिन अत्यधिक अहंकार और क्रोध जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। वह बताते हैं कि अहंकार की प्रकृति को समझकर और आत्म जागरूकता का अभ्यास करके व्यक्ति अहंकार की सीमाओं को पार कर सकता है और दूसरों के साथ अधिक गहराई से जुड़ सकता है। चार एक संपूर्ण जीवन जीना पुस्तक केवल भौतिक सफलता का पीछा करने के बजाय एक संपूर्ण जीवन जीने के महत्व पर जोर देती है। ओशो सुझाव देते हैं कि पूर्णता किसी के जुनून का पालन करने, खुद के प्रति सच्चे होने और दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाने से आती है। उनका तर्क है कि सच्ची सफलता चीजों को हासिल करने के बारे में नहीं, बल्कि जीवन की यात्रा का आनंद लेने के बारे में है।
पुस्तक में इन अवधारणाओं का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका एक उदाहरण ध्यान के बारे में चर्चा में है। ओशो तर्क देते हैं कि नियमित ध्यान लोगों को मन की बेचैनी को दूर करने में मदद कर सकता है, जो मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जागरूकता के एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके लोग खुद से और अपने आसपास की दुनिया से एक गहरे संबंध का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से लोग अधिक आत्म जागरूकता भी विकसित कर सकते हैं और खुद को अहंकार से अलग करना सीख सकते हैं, जो उन्हें अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर ओशो द्वारा बुक ऑफ मैन एक विचारोत्तेजक मार्गदर्शिका है, जो मानव स्वभाव के सार को गहराई से समझती है और एक पूर्ण जीवन जीने के लिए व्यावहारिक सलाह प्रदान करती है। कार्यवाही आइटम: ओशो द्वारा लिखित पुस्तक द बुक ऑफ मैन पुरुषों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है कि कैसे अपनी क्षमता को अधिकतम किया जाए और एक संपूर्ण जीवन जिया जाए। पुस्तक में दी गई व्यावहारिक सलाह को निम्नलिखित चरण दर चरण प्रारूप में संक्षेपित किया जा सकता है। 1. अपनी मर्दानगी को अपनाएं। ओशो के अनुसार पुरुषों को सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए अपने मर्दाना गुणों को स्वीकार करना और उनका पोषण करना होगा। वह पुरुषों को अपनी प्राकृतिक मर्दाना ऊर्जाओं जैसे कि ताकत, साहस और स्वायत्तता के बारे में जागरूक होने और जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनका रचनात्मक रूप से उपयोग करने की सलाह देते हैं। तो जागरूकता विकसित करें। पुरुषों को दूसरों और अपने आसपास की दुनिया से बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए आत्म जागरूकता की भावना विकसित करनी चाहिए और अपनी भावनाओं को समझना चाहिए। ओशो इसे प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रतिबिंब, ध्यान और माइंडफुलनेस के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। 3. चुनौतियों को अपनाएं। एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए पुरुषों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की चुनौतियों से निपटना सीखना चाहिए। ओशो पुरुषों को व्यक्तिगत विकास का अनुभव करने के लिए गणना किए गए जोखिम लेने, साहसी होने और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 4. भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करें। पुरुष अक्सर अपनी भावनाओं को समझने या व्यक्त करने में संघर्ष करते हैं। ओशो पुरुषों को अपनी भावनाओं के प्रति संवेदनशील बनने और उन्हें दूसरों के साथ अधिक सार्थक रूप से जुड़ने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने की सलाह देते हैं। 5. मजबूत संबंध बनाएं। पुरुषों के लिए एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रामाणिक संबंध महत्वपूर्ण है। ओशो पुरुषों को अन्य पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के साथ भी सार्थक संबंध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह रिश्तों में ईमानदारी और प्रामाणिकता की आवश्यकता पर जोर देते हैं। 6. अपने जुनून का पीछा करें। ओशो का मानना है कि पुरुषों को जीवन में अपने जुनून का पीछा करना चाहिए। वह पुरुषों को सलाह देते हैं कि वे अपने जीवन में खुशी की चिंगारी खोजें और पूर्णता प्राप्त करने के लिए जुनून और समर्पण के साथ उसका पीछा करें। 7. आंतरिक संतुलन पाएं। अंत में ओशो आंतरिक संतुलन के महत्व पर जोर देते हैं। पुरुषों को आंतरिक सद्भाव विकसित करने का लक्ष्य रखना चाहिए, जहां मन, शरीर और आत्मा पूर्ण सामंजस्य में हो। इसे ध्यान, माइंडफुलनेस और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। निष्कर्ष में ओशो द्वारा लिखित दी बुक ऑफ मैन पुरुषों को अपनी मर्दानगी को अपनाकर, आत्म जागरूकता विकसित करके, चुनौतियों का सामना करके, मजबूत रिश्ते बनाकर, अपने जुनून का पीछा करके और आंतरिक संतुलन प्राप्त करके एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है। विवरण: आप अपना मूल स्व कैसे पाते हैं? ओशो मनुष्य को अपने आंतरिक स्व से लगातार अलग थलग होते हुए देखते हैं। सांसारिक शक्ति और सफलता की नासमझ, खोज में धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक मासूमियत और रचनात्मकता खोते हुए, मजबूत दिखने के लिए औसत आदमी अपने प्रेम और करुणा के जन्मजात गुणों को दबा देता है। ओशो के लिए आदर्श पुरुष जोरबा बुद्ध है, पदार्थ और आत्मा का एक आदर्श मिश्रण। प्रवचनों का यह निर्बाध संग्रह पाठक को मनुष्य के विकास के विभिन्न चरणों से गुजरता है, आदम से लेकर गुलाम, पुत्र, समलैंगिक, पुजारी और राजनीतिज्ञ तक, जब तक कि वह विद्रोही या झोरबा के रूप में अपनी चेतना के शिखर को प्राप्त नहीं कर लेता। उपाख्यानों से जगमगाता
और शानदार जवाबी टिप्पणियों से समृद्ध द बुक ऑफ मैन ज्ञान और बुद्धि का एक उल्लेखनीय मिश्रण है।